कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन यही जल जब बोतल में बंद होकर 3000 गुना ज्यादा दाम पर बिकता है तो आपके जीवन को संकट में भी डाल सकता है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पीने के शौकीनों के लिए आज हमारे पास एक शॉकिंग खबर है। बाजार में मिलने वाला बोतल बंद पानी आपकी सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर आप लंबे समय तक बोतल बंद पानी पिएंगे तो आपको कैंसर भी हो सकता है। हम आपको डरा नहीं रहे, सिर्फ सच बता रहे हैं, और वो सच जो एक रिसर्च में साबित हुआ है, और ये रिसर्च किया है देश के प्रतिष्ठित भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। हमने आज आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए बोतल बंद पानी पर आए इस रिसर्च का विस्तृत डीएनए टेस्ट किया है, जो बोतल बंद पानी बेचने वाली कंपनियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। क्या आप बोतल बंद पानी पीते हैं? क्या आपको बोतल बंद पानी पीना अच्छा लगता है? क्या आप मानते हैं कि बोतल बंद पानी सुरक्षित है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपकी ये सोच आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। हर गली, नुक्कड़, चौराहे, रेस्टोरेंट, होटल्स और दुकानों पर बोतल में मिलने वाला पानी उतना सुरक्षित नहीं है जितना आप सोचते हैं। ये वैधानिक चेतावनी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि बोतल बंद पानी पीने से आपको कैंसर हो सकता है, आपके दांत कमजोर हो सकते हैं, बोतल बंद पानी आपको गंजा बना सकता है, आपको आंतों की बीमारियां लग सकती है, और बोतल बंद पानी पीने की लत आपकी किडनी पर भी असर डाल सकती है। ये सिर्फ आशंकाएं नहीं है, बल्कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्टडी में बोतल बंद पानी के ये साइड इफेक्ट साबित हो चुके हैं। में वो कार्सिनोजेनिक है, यानी कि वो कर्करोग, अलग अलग तरीके के जो कैंसर है उसके लिए उसके वो रूपांतरिक हो, यानी कि वो कैंसर पैदा करेगा। हमारे इंद्रिय है, वो इंद्रियों के ऊपर भी वो जो एडवर्स इम्पैक्ट है, यानी कि दुष्प्रभाव है, वो उसका सब इंद्रियों पे पड़ता ही है। जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स है उसके ऊपर भी पड़ता है, जो 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 द्रवों के आधार पर हमारा शरीर चलता है उसके ऊपर भी वो बुरा असर करते हैं। भाभा रिसर्च सेंटर ने बोतलों में मिलने वाले पानी का डीएनए टेस्ट करने के लिए मुंबई में बिकने वाले पानी की बोतलों की 18 कंपनियों के 5-5 सैंपल्स लिए और फिर बोतल बंद पानी के नमूनों का विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। जांच में पता चला कि बोतल बंद पानी में ब्रोमेट नामक रसायन की मात्रा मानकों से 27% ज्यादा थी, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1 लीटर पानी में 4 मिलीग्राम से ज्यादा ब्रोमेट जहर का काम कर सकता है। इसके अलावा बोतल बंद पानी में क्लोराइड और क्लोरेट नामक नुकसानदायक केमिकल की मौजूदगी भी पाई गई। हैरानी की बात यह है कि तीनों ही हानिकारक केमिकल्स पानी में नहीं पाए जाते। लेकिन पानी को शुद्ध करने के लिए किए जाने वाले रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान ये खतरनाक केमिकल्स पानी में घुल जाते हैं। ये तो जहरी है, क्योंकि ये संसर्गजन्य जो बीमारियां होती है उसके लिए जो जीव जंतु होते हैं उसको नियंत्रण में रखने के लिए ये सब पद्धति अपनाई जाती है। जैसे हमारे घर में जो नल से पानी आता है जिसमें क्लोरीन दिया जाता है, तो जो ब्रोमेट ब्रोमीन का जो रूपांतर है और क्लोरेट है, ये सब अगर वो मात्रा पार कर देते हैं तो वो जहरी है। भाभा रिसर्च सेंटर की स्टडी साबित करती है कि बोतल में बंद पानी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, और चिंता की बात यह है कि अभी तक भारत में ऐसा कोई कानून या सिस्टम नहीं है जो बोतल बंद पानी में नुकसानदायक केमिकल्स की अधिकतम मात्रा तय कर सके।